2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा और घर भी सामान्य चार दीवारें नहीं, घर होगा घर की महिला के नाम पर होगा, घर होगा घर में नल होगा, नल में जल होगा, घर में टॉयलेट होगा, घर में गैस का कनेक्शन होगा, घर में बिजली का कनेक्शन होगा। ऐसा 2022 देखिए 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों ने जिन सपनों को देख करके बलिदान दिए थे उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी चार दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में सभी के घर पक्के हों इसका घोषणा किया था और 2022 में बन जाने हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन 2022 भी अब चूंकि अब खत्म होने जा रहा है, अभी महीना सितंबर का है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना से वंचित रह जा रहे हैं। दरअसल अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह में और गिरिडीह में शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास जैसी सुविधाएँ जिन गरीबों को मिलना चाहिए था समय पर, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मसलन स्थिति ये है कि कई के घरों में सांप निकल जा रहा है और स्थिति ये हो गई है कि डर और भय के माहौल में अपने खपड़ेल घर में जीने को लोग यहाँ जो हैं वो विवश हैं। दरअसल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यही वो घर है और ऐसे ना जाने कितने घर हैं शहर में जिनके आवास जो हैं अभी तक बन जाने चाहिए थे। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे यहाँ के जो लोग हैं वो रहते हैं। आप ही का घर है ना ये? क्या नाम है आपका? रिंकी देवी। कितने परिवार हैं आप? चार परिवार हैं। आवास अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। तो कोई आए थे पदाधिकारी या कोई यहाँ के वार्ड पार्षद? कोई देखने नहीं? नहीं अभी तो नहीं आया। किसी को आपने कागज वगैरह तो मतलब फोटो लेने के लिए, उसके बाद लेके गए हैं तो फिर कहाँ, फिर कुछ। जरा अपना घर दिखाइए, कैसे रहते हैं आप लोग, जरा दिखाइए, अंदर चलिए। आपको हम इनका घर दिखाते हैं। दरअसल इस दर्द को महसूस करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सभी को पक्के मकान देंगे। दरअसल ये सीट बनाकर जो है किसी तरीके से रहने को विवश हैं। एक ही घर में जो है, ये घर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्जर है और यहाँ अभी कुछ देर पहले जो एक सांप निकल गया था, आप सांप की जो गाथा है वो आप देख रहे होंगे। देखिए यही उनका मकान है और इसी घर में ये जो है किसी तरीके से रहने को विवश हैं। क्या नाम बताया आपने? रिंकी देवी। ये रिंकी देवी का घर है और रिंकी देवी जैसी कई रिंकी देवी हैं जिनका आवास अभी तक बन जाना चाहिए था, उनका आवास अभी तक नहीं बन पाया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको दरअसल इस आवास के अलावा और भी कई आवास हैं, उनका तस्वीर हम दिखाएँ। उससे पहले यहाँ पर जो है इस घर में इसलिए भी हम पहुँचे थे चूँकि इस यहाँ पर एक जो है सांप निकल गया था, इस वजह से भी हमारी रिपोर्टिंग करनी थी, हम यहाँ पहुँचे थे। आप देख सकते हैं कि आपको बता दें कि जो वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं और जो भाजपा के कार्य समिति सदस्य हैं, दरअसल शिवम आजाद, वो यहाँ मौजूद हैं। आवास जैसी समस्याएं लगातार बनी हैं शिवम जी, और खास करके देखा यह जाता है कि आपने आवास जैसी समस्याओं को उठाया भी है। कई ऐसे घर हैं जिनका आवास कम से कम अभी बन जाना चाहिए था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा चुके भाजपा से हैं 2022 तक सभी के पक्के मकान होंगे। ये मकान जो है सो दर्शा रहा है कि पक्के मकान अभी तक बन नहीं पाए हैं। हालांकि इससे पूर्व में जब हम वार्ड पार्षद थे तो भी हम लोग आवास के लिए हमेशा आवाज़ उठाएं और अभी हमारी माता जी वार्ड पार्षद है, इस बार भी आवाज़ उठाएं। अभी से 4 दिन पहले विधायक जी ने एक समीक्षा बैठक किया था सर्किट हाउस में, जहां हर वार्ड के वार्ड पार्षद, 3600 वार्ड के वार्ड पार्षद थे और आवास में जो अनियमितता बरती जा रही थी उन सब अफसरों को विधायक जी ने बहुत जोर का फटकार लगाया है और तुरंत कार्रवाई करने का मांग किया है। और ये आशा और विश्वास दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पेमेंट है अभी बैंक खाते में नहीं है, तो नगर आयुक्त ने ये विश्वास दिलाया है कि खाते में पेमेंट आने के बाद 1 महीना 1.5 महीना के अंदर
सबको पहला किस्त मिल जाएगा जिसका जिसका आवास पास हुआ है। और इस चैनल के माध्यम से मैं गिरिडीह वासियों को और शहर वासियों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि आवास की योजना में अगर कोई तरह की परेशानी या दिक्कत हो तो हमारा आवास बख्शीडी रोड झिझरी मोहल्ला में है। उसकी कोई भी परेशानी हो हमारे से आकर आप मिलें, जहाँ तक होगा यथासंभव हम आपकी मदद करने में हमेशा खड़ा रहेंगे और तत्पर रहेंगे। अच्छा, ताली मारो। चलिए, तालियां बजाई जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जो है मुद्रा मोचन भी किया जाता है शिवम जी, भ्रष्टाचार भी होता है, इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि विधायक जी ने 4 दिन पहले ही फटकार लगाया हमारे सामने। विधायक जी ने एक अफसर को बोला कि 3 दिन के अंदर तुमको ऐसी जगह ट्रांसफर करेंगे जहां पानी भी नसीब नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। पब्लिक से ये कहते भी है हर वार्ड के पब्लिक से कि कोई भी आवास के नाम पर आके पैसा की उगाही करता है आप तुरंत खबर करें, अपने जनप्रतिनिधि अपने नज़दीकी वार्ड पार्षद जो है आपको उनको खबर करें और उस पर हम लोग अविलंब कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई ही नहीं, उसको जेल तक भेजने का काम करेंगे नगर निगम के जितने भी वार्ड पार्षद हैं और हम लोग जनप्रतिनिधिगण जितने हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। तो देख सकते हैं कि ये शिवम आजाद हैं जो वार्ड परिषद प्रतिनिधि हैं और कई ऐसे आवास हैं जिनका अभी तक बन जाना चाहिए था, अभी तक बना नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि हम आपको और भी खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे गिरिडीह में जो आवास की समस्याएं हैं। तो गिरिडीह के नगर निगम की ये अवस्था है कि कई ऐसे गरीब हैं जिनका आवास अभी तक नहीं बना है। हम एक चौकी पर बैठे हैं, आप इसको देहाती भाषा में समझ सकते हैं, और घर की ऊपर की तस्वीर आप जरा देखिए कि इस चौकी पर सोने वाला व्यक्ति हमेशा जब ऊपर देखता होगा तो छत की दीवारें गिरने के लिए आतुर है और ये कभी भी गिर सकती है। लेकिन गिरिडीह नगर निगम की ये स्थिति है कि जिनका आवास कम से कम बन जाना चाहिए था, हालांकि आवास को लेकर के सरकार गंभीर है, लेकिन धरातल पर कई ऐसे लोग हैं जिनका आवास अभी तक नहीं बन पाया है। ये जिनका आवास है उनसे आपको मिलाते हैं, ये काफ़ी परेशान है। क्या नाम है आपका? मुनिया देवी मेरा नाम है। मुनिया देवी जी, ये घर आप ही का है? हाँ, मेरे। कितने लोग हैं आप लोग इसमें? 5 लोग हैं। पांच परिवार। हाँ, तो आवास अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा, तो कोई आए थे देखने के लिए? कोई पता नहीं, अभी तक कोई नहीं आया देखने के लिए। कोई नहीं आया है। क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि हमको गरीब आदमी हमको दे दे घर, हम घर बनाएंगे और क्या मांग करेंगे। यही मांग करते हैं कि मेरा बच्चा बुतरू एनी टाइम रहता है, जब पानी पड़ने लगता है बच्चा बुतरू के एक साइड कर देते हैं, कहा कि गिरने लगता है, धसने लगता है ऊपर। जरा सोचिए इस घर की तस्वीर, और ये जो है कितना कमरा है इसमें आपका घर? दो कमरा है और दो कमरे में कितने लोग रह रहे हैं आप लोग? 5 लोग रहते हैं। 5 लोग रहते हैं। दरअसल इससे भी खराब स्थिति नगर निगम में कई ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक बना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलना चाहिए वो अभी तक धरातल पर देखने को, कई लोगों का जो बनना चाहिए था वो अभी तक नहीं बन पाया है। आप समाधान इंडिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी आवास की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2022 तक हम सभी को पक्का मकान देंगे, बन नहीं पाया साहब, जल्दी करवा दीजिए। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास बना है, ऐसे लोगों का भी जल्दी करवाइए, क्योंकि इनका जो आँख का आंसू है ना, उसके बाद हम कुछ कह पाने को मजबूर हैं। सुनिए साहब, इनका दर्द सुनिए और प्रयास करिए कि कम से कम ऐसे लोगों का प्रधानमंत्री आवास जल्दी आप दिलवाने का प्रयास करिए। और देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया।